वेलकम बैक, मैं हूँ आज़म फारूकी। आपकी स्क्रीन पे जो बेस्ट लॉन्च शूज़ का पोस्टर नज़र आ रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है और हमने इसको बनाया कैसे है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम रेक्टेंगल टूल में। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद इसको ड्रैग करेंगे। ओके, ड्रैग करेंगे उसको साइज़ देंगे, जिसका सेम साइज़ होगा 10.448। इसका साइज़ है 10.448 एंड हाइट में है 4.109। ठीक है, 4.4.109। ओके, ये इसका साइज़। ठीक है, इसको करें पी पेज के सेंटर में। उसके बाद जो है इसी ऑब्जेक्ट का कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको इस तरह लेकर आएंगे, छोटा कर देंगे, इसको हाफ में ले आएंगे, हाफ। ओके, उसके बाद जो है क्या करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट को करेंगे कर्व, कंट्रोल क्यू। कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू करेंगे या फिर इसी ऑब्जेक्ट पे माउस का राइट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हम जाएंगे शेप टूल में। शेप टूल से इस चारों कॉर्नर को इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे माउस को ड्रैग करके। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जाएंगे शेप टूल में। शेप टूल से इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे किसी एक कॉर्नर को। ठीक है, इस तरह एरो का सिंबल आ गया, एरो का निशान आ गया इसका। इस सिलेक्ट करने के बाद इस एरो के सिंबल को लेकर जाएंगे अंदर की तरफ और इसको लेकर आएंगे हम बाहर की तरफ। ओके, ये हो गया। इस पर जो है हमें कलर करना है। ठीक, कलर करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर है, इस कलर का परसेंटेज है 100% मजेंटा, 100% येल्लो और 60% ब्लैक। ठीक है, सो इसका आउटलाइन कर देते हैं नन और इसमें कलर करेंगे इसका ये कलर, और इस कलर का परसेंटेज है 100% येल्लो और 20% मेजेंटा येलो मिक्स किया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं जूम। ठीक है, जूम करने के बाद इसको ऐसे ड्रैग करके आगे तरफ लेकर जाएंगे और माउस का राइट प्रेस कर देंगे। ठीक है, यानी कॉपी और पेस्ट करके इसको आगे तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम नन और इसमें फिलहाल आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसको एक और कॉपी करके यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, इतना हल्का सा और इसको हल्का सा एडजस्ट करते हैं कीबोर्ड के एरो बटन से। ठीक है, तो आप क्या करें, इस वाले ऑब्जेक्ट से जो सेलेक्ट है, जो बाहर वाला ऑब्जेक्ट है या अंदर वाला ऑब्जेक्ट है, इसको इससे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इस बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कर सकते हैं इसको ट्रिप। ठीक है, अब इसमें हम कलर कर देते हैं वाइट। ओके, इसका आउटलाइन कर देंगे नन हल्का सा और अंदर लेकर आएंगे। हाँ, इतना काफ़ी। अब जो है इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं हम डिलीट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे एक और कॉर्नर बनाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अगेन रेक्टेंगल टूल पे, इसको इस तरह ड्रैग करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी। इसमें वाइट फिल कर देते हैं फिलहाल, अभी किस तरह का डिज़ाइन है वो देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सामने रखते हैं इसको। अब इसको करेंगे कर्व। कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल क्यू। उसके बाद जो इस वाले कॉर्नर को हम कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेलेक्ट और सिलेक्ट तीनों कॉर्नर को। फिर जाएंगे हम कन्वर्ट टू कर्व में। उसके बाद जो है इस तरह एरो बटन आएगा, एरो के सिंबल आएगा, इसको इस तरह करेंगे और इसको इस तरह करेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब से एक और कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, कॉपी करने के कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करने के बाद ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो इसके नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। उसको यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, हल्का सा मामूली सा, और इसमें कलर कर देते हैं ब्लैक। ये हो गया। उसके बाद ये शूज़ रखा हुआ हमारा, जो नेट से लोड किया मैंने, वो लोड करना है। ठीक है, देखेंगे शिफ्ट पेज अप। ओके, इसमें जो शेडो है, शेडो डालता हूँ दोबारा इसमें मैं। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पे शेडो है, शेडो टू, ये शेडो है ड्रॉप शेडो, इसको लेकर इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से, हमें अपनी मर्जी से जो सेलेक्ट करना है वो करेंगे। ठीक, ये तो जो हम टाइप करेंगे, सबसे पहले जो हम टाइप करेंगे, टाइप करेंगे टेस्ट रूम जाएंगे। अब जो इसमें हमें टाइप करना है, ठीक है, ये बेस्ट लॉन्च शूज लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे टेस्ट टूल लेंगे। टेस्ट टूल लेने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे, हमें टाइप करते हैं। ठीक है, ओके, इसको करेंगे हम यू ड्रैग करके बुला कर सकते हैं, यहाँ से भी खींच कर, या फिर यहाँ भी हम पॉइंट साइज दे सकते हैं। ठीक है, जितना पॉइंट का हम मीटर रखेंगे। ठीक है, इसको करेंगे इसका इक्वल। ओके, अब इसका जो है फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, हम ये वाला फोन लगाते हैं, बल्लारी क्या है ये फॉन्ट। ठीक है,
इसमें हम कलर करेंगे जो हमारा यहाँ वाला कलर है वो कलर करेंगे, यानी यानी 100% येल्लो और 20% मैजेंटा। ठीक है, ये हो गया, ये और बड़ा होगा। ठीक है, ओके, इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे हल्का सा। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद जो है हमें यहाँ लिखना है बेस्ट लॉन्च। ठीक है, फिर हम जाएंगे टेक्स्ट टूल में। ठीक है, अब इसका ही फॉन्ट हमें चेंज करना है, ये फॉन्ट लगाते हैं, उसके बाद हम जो है इसको बड़ा करते हैं इस तरह करके। ठीक है, इसको यहाँ हल्का सा खींच देंगे मामूली सा, इसमें फिल करेंगे वाइट कलर और इसको इसके सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो इसको हम हल्का सा नीचे की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर इसके हल्का सा मामूली से ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर एड्रेस, ईमेल एड्रेस या फिर अपना वेबसाइट या फ़ोन नंबर जो है वो लगाना है। मैंने ये ऑलरेडी बना रखा है ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। शिफ्ट पेजअप करेंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे। ठीक, इतना ये काफ़ी है। उसके बाद जो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेंगे रेक्टेंगल टूल से, ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसको ड्रैग करते हैं और इसमें फिल करेंगे हम जो हमारा कलर है, इसका आउटलाइन करेंगे नन, और यहाँ से शेप टूल से इसके कॉर्नर को हम शेप देंगे। इसका एक और कॉपी करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इसमें जो है हमें मजेंटा फिल कर देना है। ठीक है, हम इसको करेंगे शिफ्ट पेज अप। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करना है शॉप नाम। ठीक, इसका कलर, इसका भी जो फॉन्ट है आपको रखना है वो रखिए। ठीक, इसको करेंगे हम छोटा, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे 50%। ठीक, यहाँ से करेंगे इसको सेंटर, उसके इसके सेंटर निकल कर देंगे। ठीक है, और इसमें कर देंगे वाइट फिल। ओके, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद जो है हमें ये जो लोगो है ये ला कर यहाँ रख देना है, इसको लेकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट पेज अब। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे 30% ऑफ। ठीक है, हम जाएंगे इलिप्स टूल में, इसको यूँ ड्रैग करेंगे। ठीक, ड्रैग करने के बाद इसको हल्का सा अंदर की तरफ लेकर आएंगे और इसमें फिल कर देंगे हम जो हमारा कलर है। ठीक है, आउटलाइन नन कर देंगे, इसमें कर देंगे हमें ये जो हमारा बैकग्राउंड वो कलर। ठीक है, अब इसमें हम टाइप करते हैं 30%। अब इसको इसके सेंटर एंड इक्वल, इसको करेंगे वाइट और इसको करेंगे बोल्ड। ठीक है, हो गया। उसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है ये डॉट डॉट, अब ये बनाते हैं इस। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, हम जाएंगे फिर रेक्टेंगल टूल में, उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे हल्का सा, छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मल से छोटा करेंगे इसको। ठीक है, इसमें कलर कर देते हैं हम ये आउटलाइन नन। ओके, इसको यहाँ लेकर आएंगे कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। ठीक है, करेंगे ग्रुप कंट्रोल जी। ठीक है, इसको लेकर आएंगे नीचे की तरफ, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। ठीक है, इसको करते हैं सबको ग्रुप कंट्रोल जी। ग्रुप करने के बाद इसको हम करेंगे छोटा, इतना काफ़ी है। उसके बाद जो है एक और यहाँ रख देना है हमें और एक यहाँ रख देना है। ठीक है, और इसमें कलर जो है हमें कर देना है ये कलर। ठीक है, इसमें भी ये कलर, मतलब मजेंटा कलर। ठीक है, आप फिर एक और लिप टूल लेंगे, लिप टूल लेंगे, इसको ड्रैग करने का मामूली सा, इसमें कलर कर देंगे हम मजेंटा। ठीक है, आउटलाइन में ये 0.5 है। ठीक है, इतना परसेंटेज का सही है। उसके बाद इसको हम यहाँ एक और रख देंगे। ठीक है, और कुछ है इसमें, अब एक चीज़ और बाकी है वो ये है, हमें क्या करना है एक और रेक्टेंगल टूल लेना है, यहाँ पे लेकर आएंगे इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसमें फिल कर देंगे हम ये कलर और लगा देते हैं इसको इसके इक्वल। ओके, और हल्का सा और बारीक कर सकते हैं, हल्का सा पतला कर सकते हैं। ठीक, नहीं ज़्यादा हो रहा है, जूम करके करेंगे इसको। ठीक है, और एक जो है हमें ये यहाँ भी रखना है,
ठीक है। और एक ये जो है इसको भी लाके यहाँ पर रख देना है, और इसको लाके एक यहाँ पर रख देना है, इसमें फिल करना है हल्का सा ऑफ वाइट, ठीक है, इस तरह करके। और ये जो हल्का सा और नीचे होगा, ठीक है दोस्तों, डिज़ाइन जो तैयार हो चुका है। प्लीज़ अगर आपको हमारा काम, हमारा डिज़ाइन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।